जादूगर मलतूर राजीव का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों एक नॉर्मल कार्ड का पैकेट है। इसको अभी मैं काट देता हूँ एक बार। एक बार और काट देता हूँ। अभी मैं इसको लेआउट कर देता हूँ। इसको इधर किसी भी जगह से एक कार्ड मैं टच कर लेता हूँ। यहाँ से 13 कार्ड मैं निकाल देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसके अंदर से 13 कार्ड मैं निकाल चुका हूँ दोस्तों। अभी मैं एक कार्ड का स्पेलिंग बोल रहा हूँ। 1, O, N, E, 1, T, W, O, 2, 3, H, R, E, E, 3, F, O, U, R, 4, F, I, V, E, 5, S, I, X, 6, S, E, V, E, N, 7, E, I, G, H, T, 8, N, I, N, E, 9, T, E, N, 10, J, A, C, K, Jack, Q, U, E, E, N, Q. एंड लास्ट वन इज किंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। 3 ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब इस जादू का रहस्य की ओर चलता है दोस्तों। इसके लिए आपको पूरा डक को कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। पूरा डक के अंदर से आपको 52 पत्ते निकालने पड़ेंगे। 1 से लेकर किंग तक 13 पत्ता, वैसे 4 सेट। जैसे ये है 1 से लेकर के 10 गुल्ला रानी राजा, 13 पत्ता हो गया। अब इसको इस तरह से 4 सेट बना देना है। एक कार्ड के अंदर 4 सेट होंगे, 4 सेट ऐसे बना देना है, अलग अलग रख देना है और इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। अगर आप ये करना चाहते हो तो सीक्वेंस लिख दीजिएगा। 3, 8, 7, S, Queen, 6, 4, 2, J, King, 10, 9 and 5। इसको अलग रख दीजिए। अभी इसी तरह से दूसरा सेट को भी लगाना है। 3, 8, 7, S, Queen, 6, 4, 2, Gulla, King, 10, 9, 5। इसको लेकर के इसके ऊपर रख दीजिए। तीसरा वाला सेट को भी ऐसे लगा दीजिए। 3, 8, 7, S, Queen, 6, 4, 2, J, K, 10, 9 and 5। इसको भी इसके ऊपर लगा दीजिए। और लास्ट वाला सेट 3, 8, 7, S, Queen, 6, 4, 2, J, K, 10, 9 and 5। इस तरह से डक को लेना है। ध्यान रखना इसको पीसना नहीं है, काट सकते हो जितना बार चाहे काट सकते हो। इसे काट दो, जितना बार चाहे उतना बार आप काट सकते हो। उसके बाद नीचे रख कर के काट दो और इसको लेआउट कर दो। इसे लेआउट करने के बाद किसी भी जगह से
ऑडियंस के चूज करने के लिए कहो, कहीं से भी एक कार्ड कर दिया सेलेक्ट, या तो इससे यहाँ पर ले सकते हो या इधर से इधर भी ले सकते हो। तो तेरा पता निकालना है, अभी ये तेरा पता निकालने के बाद एक बार आपने इसको देखना है इसे, और आप देखना है कि फाइव नंबर कार्ड कहाँ पर है। इसके अंदर यहाँ पर है पाँच के आगे जितना भी कार्ड है इसको लेकर के पीछे लगा देना है, यानी ये पाँच के आगे जितना कार्ड है उसको लेकर के पीछे लगा देना है और आप काउंटिंग शुरू कर देना है। ओ एन ई ये आशा आएगा, टी डब्ल्यू ओ टू टी एच आर ई ई थ्री एफ ओ यू आर फोर एफ आई वी ई फाइव एस आई एक्स सिक्स एस ई वी ई एन सेवन ई आई जी एच टी एट एन आई एन ई नाइन टी ई एन टेन जे ए सी के जैक क्यू यू ई ई एन क्यू एंड लास्ट वन इज किंग। इसको लगाने का सीक्वेंस एक बार और बता देता हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको लगाना है, थ्री एट सेवन एस क्यून सिक्स फोर टू जे के टेन नाइन एंड फाइव।